Now we are going to start output devices. Output devices क्या होती हैं? An output device is any piece of computer hardware equipment which convert information into a human readable form. It can be text, graphic, audio and video. Some of the output devices are visual display units, VDU. In example, a monitor, printer, graphic output devices, plotters, speakers, etc. Some examples of output devices are given below. कुछ जो है वो उन्होंने बता दिए कि ये output devices होती हैं, monitor है, printer, speaker, headphones, projector, GPS devices, sound card और video card. ठीक है, output devices computer या hardware का कोई भी टुकड़ा होता है जो मालूमात को इंसानी पढ़ने के काबिल शक्ल में बदल देता है. आउटपुट डिवाइसेस में जब आपका डेटा पहुंचता है, जब आपका प्रोसेसर प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को आउटपुट डिवाइस के पास पहुंचाता है, तो वो क्या करता है, वो उसको उस फॉर्म में ले आता है, उस शक्ल में ले आता है जो यूज़र उससे मांग रहा है, जो इस्तेमाल करने वाला उससे आउटपुट मांग रहा है. वो आउटपुट डिवाइस उसको इंसानी जो है वो इस्तेमाल के जो काबिल चीज़ें होते हैं, इंसानी पढ़ने की शक्ल में, यार इंसान इसे कैसे पढ़ सकेगा, उसको वो बदल के दिखाता है. इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इसमें ग्राफिक्स हो सकता है, इसमें जो है वो आवाज़ भी हो सकती है, या इसमें वीडियो वगैरह भी आ सकती है. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में से कुछ वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं, प्रिंटर, ग्राफिक. प्रिंटर क्या होता है? सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है LCD मॉनिटर, जिसे हम कहते थे पहले जो मॉनिटर आता था वो जैसे टीवी पुराने दौर के, आजकल तो टीवी भी सारे इसी LCD LED में आ गए. वो पीछे से जो है बड़ा निकला होता था, उसको हम मॉनिटर कहते थे, और हैवी भी होता था, लाइट भी काफ़ी खींचता था. आजकल जो है वो LCDs आ गए हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की जो है वो फुल फॉर्म है. ठीक है, तो LCD लाइट जो है वो कम खींचती है, और आपका जो विजुअल ग्राफिक है, यानी कि आपको ग्राफिकली चीज़ें दिखाती है, आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको दिखा रही होती है कि आपने चीज़ें क्या बनाई हैं, आपने कौन सा इनपुट दिया था और कौन सा आउटपुट आपको वो दिखा रही है. उसके बाद मैंने कहा था, एक चीज़ हमने पढ़ी थी, प्रिंट का ऑप्शन हमने पढ़ा था, प्रिंट का फंक्शन. उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में तब्दील करना चाहते हैं, तो आप प्रिंटर की मदद से उसे अपने पेज पर प्रिंट निकाल कर उसकी हार्ड कॉपी बना सकते हैं, तो वो भी आपका आउटपुट डिवाइस कहलाती है. ठीक है, उसके बाद स्पीकर है, स्पीकर से आपको आवाज़ आती है, आपने कोई सॉन्ग चला दिया, आपने कोई तकरीर चला दी, आपने कोई लेक्चर चला दिया, तो उसकी आवाज़ जब वहाँ से आएगी आपके कानों में पड़ेगी, तो वो फिर आपके लिए आउटपुट डिवाइस बन गई. ठीक है, हेडफोन्स, एक स्पीकर होता है, स्पीकर से आवाज़ फैलती है, हेडफोन से सिर्फ आप खुद सुन सकते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में क्या है, आप देखें मैंने ये चीज़ यहाँ लैपटॉप में चलाई हुई है, यही चीज़ प्रोजेक्टर आपको बाहर निकाल के एक बड़ी सी स्क्रीन में करके दिखा रहा है, आउटपुट आपको बड़ा करके दिखा रहा है, तो ये आपका प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस में शुमार होता है. इसके अलावा साउंड कार्ड्स आ जाते हैं, अगर इस साउंड कार्ड ना लगाओ तो आप स्पीकर कहाँ लगाएंगे, कनेक्टर ही नहीं होगा. अगर साउंड कार्ड लगा है तो आपका जो है वो स्पीकर आपके साथ अटैच कर सकते हैं, या वीडियो कार्ड लगा हुआ है तो आप अपनी LCD उसके साथ अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर वीडियो कार्ड ही नहीं लगा हुआ या आपका VGA ख़राब हो गया है, तो आप आउटपुट जो है वो LCD के ऊपर नहीं देख सकते. तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्टर्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. ठीक है, अब जैसे माइक है तो उससे हम इनपुट देते हैं, जैसे साउंड कार्ड है तो उससे हम स्पीकर के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं. ठीक है, पहले अक्सर ये हुआ करता था कि साउंड कार्ड भी होता था, वीडियो कार्ड भी होता था, लेकिन जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते थे तो विंडोज़ 98 होती थी, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होती थी, ग्राफिक्स सही नहीं आ रहा होता था. क्यों सही नहीं आ रहा होता था? उनका एक और सॉफ्टवेयर होता है,
उनका सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं ड्राइवर, क्या कहते हैं ड्राइवर, वो ड्राइवर हमने इंस्टॉल करना होता था। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस आज भी लगाते हैं तो आपसे कहता है जी इंस्टॉल द ड्राइवर। अगर आप प्रिंटर लगा देते हैं बाहर का कोई, या बाहर से कोई डेटा डिवाइस लगा देते हैं, यूएसबी लगा देते हैं या एक्सटर्नल राउटर लगा देते हैं, तो वो क्या कहता है कि आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल करें। तो वो जो ड्राइवर होता था, उस ड्राइवर के बगैर ना आपका वीजे कार्ड काम करता है, ना आपका साउंड कार्ड काम करता है। आजकल ऑटो ड्राइवर हो गई है विंडोज़, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो आगे आपके पास ये लेक्चर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे ड्राइवर्स होते हैं। आजकल विंडोज़ 7 या उससे लेटेस्ट जितने भी विंडोज़ आ रहे हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, उसमें हम उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये वीजे साउंड जितने भी इसके ड्राइवर्स होते हैं, इवन कि आपके वाईफाई का ड्राइवर, जो भी चीज़ें, वो सारी इंस्टॉल करके रख देता है, आपको इतनी परेशानी नहीं होती। जब शुरू शुरू में चीज़ें थी वो बड़ा मुश्किल होता था उनको करने में, ठीक है।